जो हम शूट कर रहे हैं ये होगा जो स्टॉक के लिए। कैसे हिलाते तू? हाँ वैसे। हाँ जी किरण, आपका ही वेट कर रहा था, बोलिए ना। अरे जेम्स बॉन्ड टॉप एंगल हमें मिल चुका है। हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सुबह सुबह का वक्त है, इतना जल्दी सुबह मुंबई में उठने की आदत नहीं है, ना ही आँख ठीक से खुली है, ना ही दिमाग खुला है, ना ही शरीर खुला है, लेकिन सुबह इसलिए उठा हूँ क्योंकि हमारे मनीष पांडे सर ने हमें इन्वाइट किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा मनीष सर ने इन्वाइट किया और यू नो इंटरेस्ट दिखाया कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों से शेयर कर सकूं। फिलहाल ऐसा है ना कि अभी नींद नहीं खुल रही है, तो मैंने शफीक को पहले से बोल दिया था कि शफीक यार चाय ले आ जाना, और शफीक पीछे खड़ा है चाय लेके। चाय पांच मिनट नहीं रहे, दो मिनट हुआ रहे। दो मिनट। इधर देखो, इधर देखो, ये प्यूमा सज्जन लड़की है, ये है ना। ला दोस्त, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चीयर्स। ये तो नींद खोलने वाली चाहिए, इसके बाद फिर एक चाय और लगेगी। दिन में ऐसी 3-4 चाय हो जाती है। टिमोन कैसे रहे तू? ये टाइम का जो मौसम है मुंबई का, काफी प्लेजेंट है और अच्छा लग रहा है। बाइक चल रही है, हवा लग रहा है, बट दोपहर में त्रास है। तो जहाँ पर हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो है प्रभादेवी में। आप हमारे रणवीर भाई को जानते होंगे, उनका स्टूडियो है मंक एंटरटेनमेंट, वहाँ पर हो रहा है। आज है संडे, तो आज शिवाजी पार्क में फुल ऑन लोग मैच खेलने के लिए आए होंगे। एक टाइम था जब हम यहाँ पर सुबह सुबह प्रैक्टिस किया करते थे। आज के पॉडकास्ट में हम अपने क्रिकेट की जर्नी के बारे में भी बात करने वाले हैं। ये जो हम शूट कर रहे हैं ये होगा जो स्टॉक के लिए। जो स्टॉक में काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं लोगों की, उसमें आपका मोहम्मद सलीम खान भी होगा आज से। कल मैं गया था कैमरा बनवाने के लिए, तो मेरा जो A7 Mark III है वो तो एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी 6400 को मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो आज वो भी मैं करूँगा। लेकिन यार ये जो GoPro वाला माइक है ना यार, इसका मेरे को नहीं समझ में आता, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। इसका मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका अडेप्टर लगा के देख लिया, अभी मीडियम मोड भी लगा के देख लिया, वही पुराना जो सेटअप था अपना हीरो 8 वाला वही सही था यार। हीरो 7 वाला मेरे पास सेटअप था, हीरो 8 भी नहीं, सॉरी हीरो 7 का सेटअप था मेरे पास। हीरो 7 का सेटअप, एक अडाप्टर, एक रोड का माइक, दस सेट खत्म। ये वाला पता नहीं कभी चलता है कभी नहीं चलता है, क्या करना है इसका। मतलब माइक की वैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि साला मोटो व्लॉग जो मैं करता हूँ ना थोड़ा बहुत अपने व्लॉग में, वो भी छोड़ दूँ। मंक एंटरटेनमेंट ये है, ये है, क्या है ये दोस्त? क्या है ये, क्या है ये? जोस्टॉक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर होगा हमारा मोनोलॉग। मुझे लगा था कि हम ऐसे इंटरव्यू टाइप होगा या फिर पॉडकास्ट होगा, लेकिन ठीक है मोनोलॉग देखे काफी टाइम हो चुका है। लेकिन क्या है ना, अभी वापस भी दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ऐसे 1-2 मिनट का टाइम लगेगा स्टेज को अपना बनाने में, फिर हो जाएगा। बढ़िया। कौन सा माइक है ये? स्नाइडर माइक, टेलीकास्टेड वाला। पॉकेट में डाल दे, डाल दो पॉकेट में। ये मार्क है आपका, ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा आपका हैंड मूवमेंट, क्योंकि ये आपका इतना है मिड है और ये दोनों सेंटर पे, ठीक है? कितना तक है ये आपका? एक यहाँ पे रहेगा और एक वहाँ पे, और ये वाला जो आपका यहाँ से, अच्छा सेम फुल साइड फुल है। जो स्टॉक्स का टॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है, देखो बहुत मेहनत किया मैंने। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सब लोगों को, फिर से मिलेंगे, बाय बाय। सामने हमारा है द वेरी फेमस सिद्धि विनायक मंदिर। आज मौसम बहुत ही सुहाना है यार, मेरे को लगा था जब दिन हो जाएगा थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है ये बस कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि इसके बाद अभी बारिश होगी। अगर बारिश ना हो और ऐसा ही माहौल रहे मुंबई में कितना ही मजा आए। तो यार हाँ, मतलब हो गया अपना यार टॉक, बढ़िया था। मैं चला शहर से दूर। अभी मेरे पास दो ऐसे काम है जो करना है, काम तो वैसे और भी हैं, लेकिन वो सारे काम को मैं कंटेंट कैसे बना सकता हूँ? वैसे जब हम कोई ट्रैवल के लिए जाते हैं ना, वहां पर जो भी करते हैं वो कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन जब मुंबई आते हैं ना तो कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हम नहीं दे पाते, बिकॉज मुंबई आने के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं और वही काम को मैं कंटेंट बना लेता हूँ। क्या करें, करना तो पड़ेगा क्योंकि डेली व्लॉग करना है। तो अभी दो काम जो है उसमें से एक काम है, निकल दो उसको लेके इधर। इसका हमने माइक जैक चेंज किया था, चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उससे पहले इसको ठीक से चेक करेंगे। पहले वाला जो माइक जैक था ना वो ऐसे कभी कभार ठीक चल जाता था, लेकिन जैसे यहाँ पर हाथ लगाते तो ठीक से आवाज नहीं करता है। अब कैसी आवाज आ रही है आप मेरे को बताना। एंड थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी करके देख लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है? अगर इतना हिलने के बाद वो ठीक से चल रहा है तो इसका मतलब माइक ठीक है। अब ये सेम चीज अपने को करना है। दूसरा, अपने को ना इस घर में एक एक्स्ट्रा एंगल बनाना था जो हमारे पास बॉल हेड आया था उससे। शफीक क्या करें, पहले खुदाई, पहले जादू के पिटारों को खोलेंगे
और उसमें से ड्रिल मशीन निकालेंगे। इसके हिसाब से अपने को ये लगेगा। ये हमने एक स्क्रू मंगवाया था ताकि इस पे लग सके, तो हमने ये साइज देख लिया था, बस इसको लगा देंगे तो अपना ये काम हो जाएगा। ये फिक्स रहेगा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, एक जगह पे फिक्स रहेगा, फिक्स डिपॉजिट। इसके साथ वाइजर भी था, वाइजर किधर है? ठीक है, काम शुरू करें फिर। और जाके मार्किंग करना पड़ेगा अपने को। इतना ठीक है, सेफ्टी के लिए चश्मा पहन लेंगे, इससे तो दिखेगा नहीं दोस्त। ओके ये ठीक है। जेम्स बॉन्ड, हमने खड्डा तो कर दिया है लेकिन खड्डा छोटा हो रहा है। वो तो जाएगा, ये काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। पहले हमने लगा था ये वाला बेड, अभी चेंज करके हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा लगाया, बिकॉज ये ऊपर जा नहीं रहा था। उल्टा किया हो रही है, उसमें ऐसे सेटअप होता है ना, यहाँ से कुछ तो उल्टा सीधा होता है। पहले थोड़ा अंदर कर देंगे ना, निंजा टेक्निक। डर गया तू? डरा नहीं। ऑलराइट, हमारी मेहनत सफल हुई। ये इस तरह से कुछ सेटअप हमारा बना है। यहाँ पर हमने दो नट लगाए थे स्क्रू पर, ये आप देखें, इस तरह से नीचे का एंगल हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ओके, टॉप एंगल हमें मिल चुका है। ऐसा लग रहा है सीसीटीवी लग रहा था ना भाई साहब, कोई इंटर किया सीसीटीवी। और इसको हम ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ये हाइट ज्यादा है तो मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करके भी कर सकते हैं। देखो क्या लगता है इसमें, कैमरा गिरने के चांसेस है क्या? कैमरा नहीं गिरेगा बिकॉज इसका होल्ड अच्छा है, होल्ड अच्छा है और हमने इसको सही से टाइट भी किया हुआ है। और थोड़ा जूम करेंगे तो फिर ऐसा भी हो जाएगा। बढ़िया है फिर। बढ़िया, मेरे को ना वो जो टॉप एंगल है ना वो एक अलग फील देता है वो, क्योंकि हम ऐसे ही एंगल में कितना, तो ये अपना सेट हो गया। और एक आई लेवल पे तो हम कहीं पे भी ट्राइपॉड ऑर्पर रख सकते हैं। और एक ऐसे ही एंगल यहाँ सेट में किधर भी बना देंगे, मतलब जो जब हॉरर फिल्म देखोगे ना तो वो लो एंगल आपको उसमें दिखेगा, उसकी भी एक अलग कहानी है। फिर कभी फुर्सत से फिल्म मेकिंग वाली बातें जब करेंगे तब करेंगे, बट आई एम हैप्पी फॉर दिस जुगाड़ू एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो ट्राइपॉड है उसको वहां पर रख के क्यों नहीं शूट कर सकता हूँ, बराबर क्वेश्चन है ना ये भी, क्यों नहीं कर सकते भाई, हमें यहाँ से करना है। इसको ऊपर रखना एंड देन फिर वापस वहां से निकालना, इट विल टेक टाइम। वो टाइम की बचत के लिए मैं ये कर रहा हूँ, एंड लाइफ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का अपने को आदत जो है, इसीलिए सब करते रहते हैं। बाकी सब इसको खोलो, निकालो, लगाओ, अंदर डालो। कितना इसका काम इजी हो जाएगा कि मैं यहाँ पर लिया इसको, ये निकल गया, ठीक है। और अगर मुझे वापस लगाना हो सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डाल के लॉक हो गया। ओके, बस मुझे इतना ही करना है। बढ़िया बढ़िया, मेहनत का फल, मेहनत का एंगल कैसा लगा? सब्सक्राइब करके बताओ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या फील आ रहा था वो वाला एंगल में। अब एक आखिरी काम मेरा बचा है आज के दिन का, उसके बाद बाकी ट्रैवल से रिलेटेड काम चल रहा, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ मैं कि कहाँ पर जाना चाहिए कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये जो हमने माउंट लगाया अभी, ये कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन मुंबई में ऐसा है ना कि अगर आप फैन बंद कर दो तो पसीने पसीना हो जाओगे, तो काफी पसीना पसीना हो गया था, थोड़ा सा रेस्ट लिया। अभी हम चेक कर रहे हैं A6400 का माइक जैक। तो शफीक थोड़ा सा वहां से हिला, कैसे हिला था तू? हाँ वैसे, अबे आराम से। प्रैक्टिकली जैसे हम कभी कभी शूट करते करते हाथ लग जाता तो कैसे होता है, हाँ वैसे, ठीक है। हाँ, आप अभी देखिएगा कैसा साउंड आ रहा है, अभी मेरे को एडिटिंग में जब बैठूंगा तब मुझे पता चलेगा, अगर सही आ गया ना तो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व है। और थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे हिला, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ कर कर कर, तो आप देखना आप कैसा साउंड आ रहा है। तो अगर ये ठीक है तो बढ़िया है फिर एकदम। विच अंबानी, हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं किरण बात कर रही हूँ, हाँ जी किरण, आपका ही वेट कर रहा था, बोलिए ना। अरे छोड़िए,
कट कर। मुझे सुबह सुबह फोन आता है कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से, कहते हैं कि भाई आपने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, SBI का बैंक अकाउंट है, पता नहीं मेरे को समझ में आ गया भाई कोई फ्रॉड होने वाला है, कट कर दो, क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं है, मतलब सीधा इग्नोर ही मारो। भाई जब बात करता ऐसा फोन आता तो मैं मजे लेता हूं। तो वेला बैठा रहता है ना, मैं उतना नहीं रहता हूं। तो बढ़िया, मैंने अभी साउंड चेक किया तो प्रॉपर था, अब थोड़ा सही है, साउंड का इशू नहीं होगा, आगे भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब एकदम बढ़िया है। आई होप आपको आज का व्लॉग, मतलब मैं ये बोल भी नहीं सकता बिकॉज मुझे पता है कि व्लॉग्स मतलब उतने अच्छे नहीं आते, जब ट्रैवल में जाते हो तो बढ़िया बढ़िया जो व्लॉग्स आते हैं, हंसी मजाक होती है, लोकेशंस होता है, यहाँ पर मुंबई में आने के बाद क्या होता है कि चीज़ों को ठीक करना होता है, तो थोड़ा आप समझ के ले सकते हैं, नहीं समझ के ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे अपने वाले। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ अ डे, आई विल सी यू सो नेक्स्ट शो, बट खुदा हाफिज, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, बूम। मतलब पेंट दिखने के चांसेस है? नहीं नहीं, जो है तो दिखेगा सर ना। अरे तो अपन छुपा सकते हैं ना अंदर, फिर सांस लेना पड़ेगा आपको। कट करूं? हाँ ठीक है।